खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां बोरीबंद विधानसभा के अंतर्गत बरही खरीदी केंद्र में ट्रांसपोर्टर द्वारा धान ना उठाने के कारण 3 दिनों से धान खरीदी बंद है। बता दें कि किसान अपनी धान के चलते खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। साधना न्यूज के साथ बातचीत के दौरान केंद्र पर उपस्थित किसानों ने अपना दर्द बताया। इसके साथ ही खरीदी प्रभारी ने कहा कि अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है, खैर इसका जिम्मेदार अधिकारी या ट्रांसपोर्टर कोई भी हो, लेकिन भुगत किसान ही रहे हैं। यहाँ पे 3 दिन से बंद है, कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं कि इतने स्टैक लगे हुए हैं और वो चुकी खरीदी हुई धान नहीं उठ पा रही है। इसके कारण लोग अपने गल्ले को बचाने के लिए ऐसी ठंड रातों में भी यहाँ पर जागने के लिए मजबूर है। किसान परेशान है, प्रशासन चुप है और कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो इसी क्रम पे हम बात करेंगे हमारे साथ में खड़े किसानों से और देखेंगे कि उनकी मूलभूत समस्याएं क्या है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या शुभ नाम है भैया? वहाँ मेरा नाम घनश्याम बैरागी है जी। हम लोग 4 दिन से यहाँ पे चले हुए हैं, सो रहे हैं, अपनी धान ताक रहे हैं रात में। यहाँ पे तुलाई नहीं हो रही क्योंकि स्ट्राइकिंग लगी है, माल का परिवहन नहीं हो पा रहा है, जो माल का मौसम भी खराब है, तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसमें सरकार जिम्मेदार है। आप क्या कहते हैं कैमरे की तरफ देखिए, सरकार जिम्मेदार? नहीं, सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन आप कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 4 दिन से परेशान है, नहीं रुक रहे हैं। और आपका शुभ नाम? राहुल लोधी। तो लोधी साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? वहाँ राम जमुनी। किसान हैरान है ऐसी ठंड में, जब लोगों को 3-3 कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लगती है। तो उस दरमियान आप खुद सोचिए कि हमारा अन्नदाता 4 दिनों से 5 दिनों से 6 दिनों से मजबूर है खुले में रात बिताने के लिए, और अधिकारी अपनी कुर्सियों को छोड़कर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, ट्रांसपोर्टर सुन नहीं रहा है, क्या किया जाए, कौन है इसका? सर ये पहाड़ है, अगर पानी गिरेगा तो पूरा पानी बह के आएगा, पूरा माल खराब हो जाएगा। अगर एक दिन भी बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूरे कट रहा पहाड़ का पूरा पानी नीचे आता है, यहाँ बहुत समस्या हो सकती है। बिल्कुल, बैरागी साहब ने भी एक अच्छी बात कही, और मैं शिवराम जी थोड़ा दिखाइए कि कितना धान खुले में पड़ा हुआ और पीछे भी। तो कैमरा मैन शिवराम गुरी के साथ कटनी से मैं कमलेश तिवारी।